बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास सिक्स, होप यू ऑल आर फाइन। कल हमने एक्सरसाइज 4.1 जो है वो उसके सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। 4.1 में क्वेश्चंस, 4.1 के क्वेश्चंस में मैंने आपको नंबर लाइन के बारे में बता दिया था। नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन पे हम राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ लिखते हैं और लेफ्ट साइड पे हम जो है वो नेगेटिव वैल्यूज़ लिखते हैं। इंटीजर्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। नंबर्स जो हैं वो पॉजिटिव में आते हैं और नेगेटिव में भी आते हैं। इसके अलावा जो इंटीजर्स हैं हम उनको हम होल नंबर्स कहते हैं। होल नंबर्स होते हैं बेसिकली जो पॉजिटिव में भी होते हैं और नेगेटिव में भी होते हैं। और मैं रिपीट करती हूँ हर बार अपने लेक्चर को इसलिए कि आप लोगों को जिन्होंने लेक्चर नहीं लिया था उनको समझ आ जाए, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करते हैं। नंबर वन क्वेश्चन है यूज़ द नंबर लाइन। हमने नंबर लाइन को यूज़ करना है टू राइट द सम। सम का मतलब है कि हमने प्लस करना है, क्वेश्चंस को प्लस करके हमने उसको नंबर लाइन पे शो करना है। नंबर लाइन की आपको पता है कि राइट साइड पे आपने प्लस की वैल्यूज़ लिखनी है और लेफ्ट साइड पे आपने माइनस की वैल्यूज़ लिखनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं -7 +3। तो माइनस का 7 है, -7 प्लस आ जाएगा +3। प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। 7 में से आपने 3 को माइनस करना है तो हमारे पास जो है वो माइनस का 4 आ जाएगा। बिग वैल्यू का हमने साइन लगाया वो है हमारे पास माइनस। 7 के साथ माइनस था इसलिए हमने 4 के साथ भी माइनस लगाया। अब हम इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं। नंबर लाइन हमने ड्रॉ की, यहाँ पे सेंटर पॉइंट है हमारे पास 0, यहाँ पे 0 आया। लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे हम लिखेंगे पॉजिटिव वैल्यूज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। इसके बाद -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड -7। हमने अपना पॉइंट जो है वो 0 से स्टार्ट किया, ठीक है। हम माइनस वाली वैल्यूज़ में कहाँ पे गए? हमने प्लस से स्टार्ट किया, यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, इधर को आए, ठीक है। फिर हमने यहाँ से कहाँ पे गए? हमारा जो पॉइंट था माइनस किया हमने यहाँ पे, ठीक है। हमारा पॉइंट जहाँ पे आके ख़त्म हुआ हमने -7 तक जो है वो सफ़र किया। आंसर हमारा कहाँ पे आया? यहाँ पे, ठीक है, -4 पे। हमने नंबर लाइन ड्रॉ की, नंबर लाइन ड्रॉ करके हमने नंबर लाइन पे जो है वो आंसर को मार्क भी कर दिया और आंसर से हमने क्या किया है उसको शो भी कर दिया। 0 पॉइंट से हमने स्टार्टिंग किया, हम लेफ्ट साइड को भी गए, राइट साइड को भी गए और लेफ्ट साइड को भी गए। हमने यहाँ से सफ़र यहाँ तक भी किया, हमने यहाँ से ट्रैवलिंग की, फिर यहाँ से हमने 7 तक ट्रैवलिंग की। जब हमने माइनस किया तो हमें पता चला कि दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में जो डिफरेंस था वो क्या आया? -4 आया, ठीक है। इसी तरह से हम जब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये है -2 प्लस -4। ब्रैकेट के अंदर साइन हो माइनस का और बाहर हो प्लस का तो साइन चेंज हो जाएगा। +2 प्लस -4 ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा? -6 आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसको हमने इसी तरह से नंबर लाइन पे फिर से ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे सेंटर पॉइंट हमारे पास आ गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 and 6 -1, -2, -3, -4, -5 and -6, ठीक है। 0 से हमने स्टार्ट किया, यहाँ से हमने किस तरफ को गए? 2 तक गए। फिर हमने यहाँ से 4 तक का सफ़र किया, फिर हम यहाँ पे पहुँच गए अपने पॉइंट 6 तक, ठीक है। तो हम एक ही लाइन यहाँ से ड्रॉ करते हैं कि हमने 2 से जो है वो जो हमने 2 से सफ़र करना शुरू किया था वो हमारा सफ़र कहाँ पे आके ख़त्म हुआ? -6 पे, क्योंकि ये जो पॉइंट है -4 हम यहाँ ये 6 और 4 के दरमियान में ही आ जाता है। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है +2 प्लस -3, ठीक है। प्लस का 2, +-3, -+3 में से हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास -1 रह जाएगा। अब इसको हम अंडरलाइन पे शो वो नंबर लाइन पे शो करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 -1, -2, -3 एंड -4 1, 2, 3, 4, ठीक है।
ज़ीरो से प्लस टू से हम आए यहाँ पे, ठीक है। ज़ीरो से हमने स्टार्ट किया, ज़ीरो हमारा चूँकि स्टार्टिंग पॉइंट है, हम ज़ीरो से हर जो है वो मेथड अपना स्टार्ट करते हैं। ज़ीरो से हमने स्टार्ट किया, हम टू पे गए, यहाँ से हमने जब थ्री तक गए हैं तो हमने क्या किया है कि डिफरेंस जो हमें माइनस का पता चला कि टू और थ्री में से हमने माइनस किया, तो वो डिफरेंस क्या आया था हमारे पास, माइनस वन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मेन पॉइंट जो हमें माइनस करने से पता चला। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री, माइनस वन प्लस माइनस माइनस टू प्लस माइनस माइनस थ्री, इन सबको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि सेम साइन है, थ्री और टू फाइव, फाइव और वन सिक्स, माइनस सिक्स। अब हम इसको पूरी नंबर लाइन पे शो कर देते हैं, ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव एंड ये सिक्स, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव एंड माइनस सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ माइनस में हैं। हमने पहले यहाँ से ट्रैवलिंग की, हम वन तक आए, वन से हमने थ्री तक ट्रैवलिंग की, थ्री से हम जो है वो जंप करके चले गए हमने सिक्स तक आ गए। टू और थ्री के दरमियान में जो डिफरेंस था वो पूरा का पूरा क्या आ गया, सिक्स तक आ जाता है हमारा डिफरेंस। आई होप आप सबको समझ आ गई हो कि नंबर लाइन पे हम नंबर्स को किस तरह से शो करते हैं।